हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे गाइस। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हमारे जीवन पे कंटिन्यू पड़े एक के बाद एक और हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ते रहें स्टेप बाय स्टेप, तो क्या ये हमारे जीवन के लिए खतरा है? और जो इंसान की जो जिंदगी है, जो मनुष्य की जो जीवन है, इस पे क्या जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़े? और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और नेगेटिव इम्पैक्ट कभी हो ही नहीं, क्या ये संभव है? तो दोनों के बीच बैलेंसिंग कैसे बैलेंस करके चले हम, ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अगर बैलेंस अपने जीवन को हम नहीं करते हैं और जीवन जो है ना ये बैलेंस नहीं हो पाता है, तो हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। और डिप्रेशन रियल में खतरनाक होता है, वो जीवन के लिए भी और हर चीज़ के लिए भी। तो हम इसी पे बात करते हैं, क्योंकि आज का जो विषय है इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो प्रेजेंटली जो हो रहा है ना मार्केट में, जो आप देख रहे हो ड्यू टू जो कोरोना वायरस COVID-19, ये पूरी दुनिया जो ठहर सी गई है, इसमें नौकरी रोजगार बहुत सारे चीज़ें जो है ना क्राइसिस है, लोगों के पास पैसा नहीं है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन में जाकर कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं जो उनके जीवन को खात्मे की तरफ लेके जाता है, ख़त्म करने की तरफ लेके जाता है। इससे ये चीज़ ना हो, इसको समझना ज़रूरी है। एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो है, आप इसको देखिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन से ये टच जरूर करेगा। मेरी बातों को आप ध्यान से आप सुनेंगे तो आपके भी जीवन से मेरी बातें टच जरूर करेंगी। तो इसको इसलिए क्योंकि अगर आप एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना, कि सबसे पहले बात है कि नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो या हो ही ना, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है, नंबर एक, कि हम किसी चीज़ से, किसी मनुष्य से, किसी रिलेटिव से, किसी भी मनुष्य से हम एक्सपेक्ट नहीं करें, या करें भी तो ना के बराबर। जो जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, उसी को हम एक्सपेक्ट करें। तो नेगेटिव चीज़ें जो है ना, हर्ट जिसको बोलते हैं कि ये आदमी से मुझे बहुत दुख हुआ, हर्ट हो गया मुझे, इसने मुझे हर्ट कर दिया, ठीक है ना, तो हर्ट करना भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही छोड़ता है मनुष्य के जीवन पे, ठीक है ना। तो ये कब होता है, किसी इंसान से, किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करके, एक आशा करके हम बैठते हैं और वो इंसान उस पर खरा नहीं उतरता है, तो मुझे हर्ट होता है। तो इसका सिंपल चीज़ ये है कि हम उस इंसान से उम्मीद करें ही नहीं, ठीक है ना, या अगर करें भी तो बहुत मामूली और जो जेन्युइन हो, ठीक है। अब एक इंसान से हम कभी कभी ऐसा एक्सपेक्टेशन, ऐसा एक एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है, तो हम इस चीज़ को बचें, ठीक है ना। अब एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। सपोज कि मेरा वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, हुआ यूं कि मेरा वीडियो देखते देखते आपका, आपको एक ज़रूरी काम याद आ गया और आप मेरा वीडियो वहीं पे स्विच ऑफ करके और चले गए उस काम करने के लिए, किसी ने कॉल किया आप चले गए, और मुझे पता चल गया, कोई आपका फ्रेंड मुझे बता दिया कि आपका वीडियो इसने वॉच कर रहा था लेकिन बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। अब मैंने सुना तो मुझे हर्ट हो गया, मुझे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रति मेरे दिमाग पे अटैक किया, क्या कि अरे मुझे मेरा वीडियो तो पूरा देखना चाहिए था, इसने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इसने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया, इसने मेरे वीडियो को रेस्पेक्ट नहीं दिया और इसने मुझे रास्ते में छोड़ दिया मेरा वीडियो को और चला गया। बट रियलिटी ऑफ फैक्ट ये है कि इससे भी ज़रूरी, आपको कोई दूसरा काम आ गया, आपको किसी ने कॉल कर दिया, आप उठकर वहाँ चले गए वहाँ आप अपने काम करने के लिए, बट आपके मन में मेरे लिए या मेरे वीडियो के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं वाली कोई बात नहीं है, रेस्पेक्ट है, आपका मन है, आप देखना चाहते थे, बट कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम आ गया, बट मेरे अंदर वो थॉट्स आ गया। तो यही चीज़ होता है हर्ट होना, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना, किसी चीज़ के प्रति नेगेटिव होना, तो मैं आपके प्रति नेगेटिव हो गया। अब ऐसे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, ये जो साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसको दिमाग में बहुत ज़्यादा, अगर आप नेगेटिव किसी भी चीज़ को, किसी ने आपको देखा तो आप तुरंत हर्ट हो गए, अरे मुझे क्यों देखा, वो देखा तो मुझे देखकर अपना चेहरा ऐसे कर लिया, इट मीन्स कि वो मुझे लाइक नहीं करता है क्या, क्यों देख। अब हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है,
वो इंसान था, आपको देखा चला गया, बट आपने देखकर खुद ही आप अपने अंदर वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है बचना है इससे। सामने वाला क्या सोचता है, वो क्यों देखा आपको, क्या बोला, क्यों बोला, अगर हर बात को हम लेकर उस पर मंथन करें तो नेगेटिविटी जो है ना, एक पावर जो है नेगेटिव पावर वहाँ जनरेट होता है और वो आपके जीवन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है, कहीं ना कहीं डालता है। और पॉजिटिविटी जो है ना वो कम होती है। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इम्पैक्ट को जीरो नहीं कर सकते हैं या नेगेटिव को भी जीरो नहीं कर सकते, हाँ कम ज़्यादा होता है। अगर नेगेटिव जो शक्ति है वो आपके ऊपर हावी हो गया तो आपको डिप्रेशन में जाएंगे, आपको कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने जीवन में कि आप खुद एक्सपेक्ट कभी नहीं करें किए थे। और नेगेटिव जीरो हो जाए, सिर्फ पॉजिटिव ही हो, ये भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये भी इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दोनों को बैलेंस लेकर चलना है। कैसे बैलेंस लेकर चलना है कि सामने वाला क्या बोलता है, क्या सोचता है हमारे लिए, वो डोंट माइंड, ठीक है। उसने हो सकता है कि कुछ और सोचा हो और मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो हर चीज़ से हर्ट नहीं होना है, हर चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं देखना है और हर चीज़ को पॉजिटिव वे में भी नहीं देखना है, दोनों को मेंटेन करना है। क्योंकि गाइस डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक चीज़ है, डिप्रेशन से बचो। आज के डेट में, स्पेशली आज के डेट में जो अभी का जो कंडीशन है, जो अभी की जो परिस्थिति है वो अच्छा नहीं है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तो डिप्रेशन से बचिए, नेगेटिविटी को आपके ऊपर हावी नहीं होने दीजिए, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव जो थॉट्स है, पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप अपने जीवन में लाइए, सोचिए। हो सकता है कि अभी कुछ खुश होने के लिए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको दिमाग में इमेजिन करने के लिए अभी कोई चीज़ आपको नहीं है आपके पास, लेकिन कुछ पास्ट में तो रहा होगा, कुछ पास्ट में तो अच्छे दिन रहे होंगे, उसको याद करके आप खुश होने का कोशिश कीजिए। और ये भी प्लान कीजिए कि जो पास्ट हमारा अच्छा गया था वो फ्यूचर भी अच्छा होगा, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट ठीक नहीं है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, फ्यूचर को हम फिर ठीक कर लेंगे। तो आपके अंदर एक शक्ति, एक पावर जो है ना जनरेट होगा और आप अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे और डिप्रेशन से बचेंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन यही था कि डिप्रेशन से बचिए, नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। अगर नेगेटिव थॉट्स को हावी होने देंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक हार जाएंगे आप, ठीक है ना। जीवन इतना शॉर्ट नहीं है और उतना बड़ा भी नहीं है कि हम सोच सकते हैं कि हम कितना दिन हमको पृथ्वी पर रहना है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, कोई नहीं जानता है। बट जितना दिन रहना है, जब तक रहना है, आपको और हमको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस पृथ्वी पर रहना है और जीना है। और आपके साथ जो लोग हैं, आपसे जो जुड़े हुए हैं, आपसे जो कनेक्टेड हैं, उनको भी चार्जअप रखना है, उनको भी चार्ज रखना है, उनके अंदर भी एक पॉजिटिव शक्ति हमेशा देना है, ताकि उनके अंदर भी ये चीज़ ना हो कि भाई मतलब इस आदमी के साथ मैं रहता हूँ तो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, ठीक है ना। कभी अच्छा शुभ शुभ बोलता ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव चीज़ें बोलता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसको मेंटेन करो आप और अपने जीवन को चार्ज करो। अभी रेस्ट करने का टाइम है और आगे जो फ्यूचर होगा आई होप वो ब्राइट होगा और पहले से ज़्यादा, आपका पास्ट से ज़्यादा आपका फ्यूचर अच्छा होगा, मैं ऐसा कामना करता हूँ, ठीक है ना। तो इसी बात से मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। और किसी तरह की कोई डाउट्स, कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे पूछिए और मैं हमेशा आपके लिए रेडी।